आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नए तरीके से बनने वाली भिंडी की सब्जी, जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये थोड़ी ग्रेवी वाली भिंडी की सब्जी है। हाँ, पता है भिंडी की सब्जी सबको सूखी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, मगर मेरे इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीज कुकिंग व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और ये देखिए, गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें एक चम्मच ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देना है अच्छे से। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है, एकदम छोटे छोटे पीसेस नहीं किए हैं, मीडियम पीसेस किए हैं। इसे डाल देना है कढ़ाई में। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है और 2 चम्मच बेसन, दोनों मिक्स करके डालेंगे तो आपकी ये भिंडी की सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। और अब इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे कम से कम 7 से 8 मिनट अच्छे से भिंडी को भून लेना है, ताकि चावल का आटा और बेसन अच्छे से पक सके। और ये देखिए, चावल का आटा और बेसन अच्छे से भिंडी में मिक्स होकर पक चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, दूसरी कढ़ाई भी मैंने गैस पर चढ़ा दी है। अब इसमें भी हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, इसे डाल देना है और हल्का सा कलर चेंज होने तक प्याज को भून लेना है। और ये देखिए, प्याज हमारा भून चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ और मुट्ठी भर हरा धनिया बिना पानी डाले पीस लिया है, इसे डाल देना है और इसे भी 2 मिनट तक भून लेना है। और ये देखिए, मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 3 टमाटर की प्यूरी, मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए। मिक्स करेंगे और ढककर इसे 4 से 5 मिनट तक टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, टमाटर भी हमारा अच्छे से पक चुका है। और अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से और 1/2 कप पानी डालेंगे, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 1 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए, मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम भिंडी डालेंगे जो हमने भून कर रखी थी। अच्छे से मसालों में भिंडी मिक्स कर लेते हैं। और नमक हमने भिंडी भुनी थी तभी भी नमक डाला था, और टमाटर पकाते समय भी नमक डाला था, तो नमक उतना बहुत है। और अब इसे ढककर 10 मिनट भिंडी को अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए, चटपटी और मसालेदार हमारी भिंडी की सब्जी एकदम डिफरेंट तरीके की बनकर तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।